आत्मा तो प्योर है, शुद्ध है, सचित आनंद भगवान का अंश है, तो उसके अंदर कुछ गलत आ ही नहीं सकता है। लेकिन हम क्योंकि इस शरीर के अंदर इतना अपने आप को झगड़ा हुआ है, जैसे किसी ने एक नई ब्रांडेड बहुत ही अच्छी गाड़ी ली है और उसको अगर रोड पे लेके जा रहा है और किसी की उस दूसरी गाड़ी की उसके साथ टक्कर हो जाती है ना, तो उसको गाड़ी पे कम लगता है, दिल पे ज्यादा लगता है। उसको लगता ऐसा है जैसे यहाँ पर दर्द हो रहा हो, तो यार मेरी गाड़ी में डंडा भी मैंने लिया और भी तो 0 मीटर गाड़ी निकाला, तो दिल पे लग रहा होता। हालांकि लगा किसको था? गाड़ी को लगा था। उसी तरह इच्छाएं तो केवल मन की उपज है, आत्मा का इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं। और फिर हमको बताया जाता है, कहीं कहीं तो सत्संग में चर्चा होती है कि भाई अपनी आत्मा को नहीं तरसाना चाहिए, उसको इच्छाएं तो खिला और नॉनवेज क्या फर्क पड़ता है, उसको इच्छाएं तो अवैध संग खिला, उसको इच्छाएं तो खिलाओ करो जो करो, आत्मा की इच्छा नहीं है ये इच्छा। और फिर अपराध करने के बाद डिस्कशन होती है, शायद भगवान की यही इच्छा थी, भगवान की इच्छा हो ही नहीं सकती। अपराध करने के बाद जीव इतना इतना घृणित सोचता है कि हो सकता है इसमें भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा ये नहीं थी, भगवान ने तो लिख कर दे दिया कि इन सब भौतिक वस्तुओं से आगे उठना है, तुमको ऊपर उठना है, तुमने कभी भगवान की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी नहीं और तुम अपनी काम वासना को भगवान पे थोप रहे हो कि भगवान ने करवाया मुझसे।